पहचान लिया हमको। सर आपकी टिकट दिखाइए। आप प्रियंका टीटी है? नहीं सर, मैं एयर होस्टेस हूँ। जी हम यहाँ आपकी सेवा के लिए हैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। एक मिनट, ये लीजिए तेल। तेल? हमारे सर पे लगा दिए, ससुरा बहुत दर्द कर रहा है सुबह। सॉरी सर, मैं ये काम नहीं कर सकती, कोई और मदद हो तो बताइए। जुए निकाल लेंगी। अच्छा सुनिए, आपका पीएन में ट्रेन की तरह बर्थ तो नहीं है? कैसे सोएंगे, हमको लेट के सोने का आदत है। सॉरी सर, यहाँ पर ये फैसिलिटीज नहीं है। चिंता मत करो, हम अपना अखबार साथ में लाया हूँ, बिछा कर लेट जाऊंगा। सर आप यहाँ गंदी बातें कर रहे हैं। कहा कब गया गंदी बात, हम अकेले लेटूंगा, आपको थोड़ी बोलना साथ में लेट में। प्लीज जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए। अच्छा सुनिए, जो बड़ा आगे वाला सीट है वहाँ बैठ जाए। जी नहीं सर, आप वहाँ नहीं बैठ सकते, वो बिजनेस क्लास है। वो क्या क्या मतलब बिजनेस क्लास? मतलब आपकी टिकट 5,000 की है ना, वहाँ की 18,000 की है। वो हमसे पहले मुंबई पहुँच जाएगा। वो जो चश्मा पहन के गोरी लड़की बैठा, कौन है, देखा लगता है पहले? जी हाँ, आपने उन्हें फिल्मों में देखा होगा, वो है करीना कपूर। उससे पूछ कराओ नाचना कब शुरू करेगा। जी हमारा रोज 8 बजे टीवी पर चित्रहार में नाचता है वो। आप पागल तो नहीं होगे ना, वो यहाँ नहीं नाच सकती। क्यों नहीं नाच सकती, इतना छोटा टीवी में नाच सकता है, प्लेन में क्या प्रॉब्लम? सर आप प्लीज जाकर बैठ जाइए और जाकर वो जो है सीट बेल्ट वो पहन लीजिए। बेल्ट? जी हाँ। वो तो हम बांधते नहीं, हम पजामा पहनते, नारा बांध लेते इसके। अगर आप जाकर नहीं बैठे ना तो मैं पायलट को बुलाऊंगी। वो कौन है? पायलट जो जहाज उड़ाता है। हमारा भाई भी पायलट है, वो भी ससुर दिन भर कागज के जहाज उड़ाता है। अगर आप चुप नहीं बैठे ना तो मैं। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। नहीं सर, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम मुंबई पहुंच चुके हैं। ऐसे कैसे पहुंच गए, सीट पर बैठे हुए, पैसा वापस करो हमारा। आप नहीं बैठे पर जहाज तो यार जहाज टूट रहा था। वैसे आपकी बातों में सफर का पता नहीं चला। सुनिए, अम्मा को फोन लगा ले, पहले बता दे मुंबई पहुंच। हेलो ये बाबू, हेलो बोला तो हाँ ही के बात है, प्रेम बोल माई खाना हो मगर वो माई खाना हो। हेलो ये माई मैं सुनने चले थे पूरा अपना कौन थी ना ये माई ना सुना था। हेलो क्या बोला था? हम प्रेम बोल थी रे। कहा थी ना कि तो कहा ना हो। हेलो मंगा नहीं बोल बाबा। अरे हम प्रेम बोल थी रे, हम प्रेम बोल थी, कहा तोड़ना हो रे। बस तोड़ना हो कहा पर बता ये माई। अरे हम पर हम बोल भाई रे ये बाबू। हेलो ये बोलो, अरे हम पर हम बोलते हो तो लोग अपना था। अरे हाँ क्या बात है, कौन दी माई कहा ना हुआ माई का कहा ना हुआ, माई का कमर ही ना हुआ। अच्छा ठीक है सकते हैं। हम 40 सवाल निकाल लेता है। निकाले ये किसकी आवाज थी? हमारे गांव का सरपंच का आवाज है। आई थिंक आप आवाज छोड़िए, आपको एक्टिंग आती है? हम रानीगंज में बहुत एक्टिंग किया, बहुत रोल किया हूँ। सुपर करके दिखाइए, करके दिखाए। सो रहे हैं, एक्टिंग तो बता रहे हैं हम, और हमें ना कुंभकर्ण का रोल करते थे। देखिए इस तरह करने से कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ और करके दिखाइए। एक बार वो रावण को लूज मोशन हो गया, उसकी जगह हमने रोल किया, तो वो बता दें।
दरबार लगा रहे उसको देख के रावण बोले चौनी तो अरे चाली अठन्नी तो अरे गाल पे रुपये तो अरे माल दो गोली जाते रावण से रोज खुश होकर छुट्टन बनिया दो नहाने का साबुन दो रुपया दे रहे इनाम भी मिला था। आपको गाना आता है? हूबहू गा लेता है सबका आवाज में। मुझे सोनू निगम की बॉर्डर फिल्म का गाना सुनाओ। ये बी साइड का तीसरा गाना लगा दीजिए। ये लगाएगा मुंह हिलाएगा सेम लगेगा यही गा रहा है। हाँ सुपर, इसका मतलब आपको गाना नहीं आता, आपको मिमिक्री नहीं आती, आपको एक्टिंग नहीं आती। हाँ। तो आपको क्या आता है? हमको डांस भी आता है। डांस सुपर, आई थिंक करके दिखा दीजिए। उसके लिए आपको हमको शादी में ले जाना पड़ेगा, हम बैंड बाजा पे नाचता है। भाई साहब का शादी हो गया? ये भी जी नहीं, हमारा भी नहीं हुआ। देखो आप भी एक्टिंग करता है, हम भी एक्टिंग करता है, दोनों शादी कर लेते सेम जोड़ी लगेगा, दिलीप कुमार हेमा मालिनी। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? फटके तू भी इतने फटके।